असलम एवरी वन आई मिस हतीजा एंड वेलकम टू मई यूट्यूब चैनल स्टेडी विद हतीजा तो गाइज़ आज से लेक्चर जो मैं केमिस्ट्री के अपलोड करूँगी दे विल फ्राम ऑफ चैप्टर नंबर वन और शेल आई से थर्टीन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड ईर एफ फेडरल बोर्ड सो बेसिकली एक हमल से रिक्वेस्ट पे फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स मैं चैप्टर नंबर थर्टीन से स्टार्ट कर रही हूँ तो गाइज़ लेट्स लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर थर्टीन दैट इज़ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स सो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं पी टेबल के जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल पे लाए करती है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल है जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस सब शेल पर होती है जबकि जो पी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो पी ऑर्बिटल पर खत्म होती है अब आज जो पहला लेक्चर है हमारे पास बुक का डाटा दी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स यानी जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं उनके सबसे पहले हमने कुछ करेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो थर्ड पीरियड हमारे पास कौन कौन से हैं थर्ड पीरियड में हमारे पास सबसे पहले आता है सोडियम देन वी हैव मैग्नीशियम एलुमीनियम सिलिकॉन, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड ऑर्गन। हमारे पास ये आठ एलिमेंट हैं जो पीरियड नंबर थ्री पे आप सबको पता है कि पीरियड्स जो होते हैं वो हॉरिजेंटल ग्रोज होती हैं और जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं अब सबसे पहले बिफोर जंपिंग दे प्रॉपर्टीज़ हमें हर मेटल या हर एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए तो हमारे पास जो फर्स्ट थ्री है सोडियम मैग्नीशियम एंड एलोमीनियम ये तीनों हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स हैं जो बात इन तीनों में कॉमन है वो ये है कि सोडियम मैग्नीशियम एंड एलुमीनियम तीनों हमारे पास मेटेलिक सॉलिड हैं उनके बाद अब सोडियम की पहली बात करते हैं हमारे पास सोडियम जो है वो वेरी रिएक्टिव है सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि इसको अगर थोड़ा सा भी एक्सपोजर मिल जाए विद मॉइस्चर एयर या फिर वाटर तो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है उसके बाद हमारे पास आता है कि किस ग्रुप में बिलोंग करता है तो ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है उस ग्रुप का नाम क्या है एल्कली मेटल्स एंड द रीज़न इज़ दैट कि जब इन मेटल्स का सोलूशन बनाया जाता है तो ये एक एल्कलाइन सलूशन या बेसिक सोलूशन देते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है बट एज़ कम्पेयर टू सोडियम जो इसकी रिएक्टिविटी है वो लेस है यानी इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू तो सोडियम लेकिन एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरी बात ही किस ग्रुप में प्रेजेंट है इट इज़ प्रेजेंट इन एल्के्केलाइन अर्थ मेटल एंड द रीज़न बिंग दैट एल्कलाइन इसलिए कह रहे हैं कि ये एल्कली सोलूशन या बेसिक सोलूशन बनाते हैं और अर्थ मेटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अर्थ की क्रस्ट है उस पर हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये अबंडेंटली या फिर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए जाते हैं

अब जो हमारे पास सिलिकॉन है सिलिकॉन एक लार्ज कवलैंड स्ट्रक्चर है इसमें कवलैंड बॉन्ड प्रेजेंस है और जिस ग्रुप से ये बिलोंग करती है उसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं क्योंकि टॉप एलिमेंट उस ग्रुप का क्या है कार्बन अब हम आगे आते हैं तो हमारे पास फॉस्फोरस और सल्फर हमारे पास मोलिक्यूलर सॉलिड्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं फिर तो फास्फोरस की मैं बात करूं तो फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली और सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली से अब क्लोरीन जो हमारे पास है ये डाएटॉमिक फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है यानी दो इसके आइटम एक साथ होते हैं जैसे हम बात करते हैं सी एल टू की साथ ही जिस ग्रुप में ये प्रेजेंट है उसको हम हेलोजेन कहते हैं अब जो हमारे पास ये तीनों हैं फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ये तीनों हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ये हमारे पास मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं जो सेंटर हमारे पास सिलिकॉन आता है सिलिकॉन हमारे पास एक ट्रांजिशन सी है सिलिकॉन के अंदर हमारे पास मेटल्स भी हैं मैंने कार्बन फैमिली के अंदर मेटल्स भी हैं मेटालॉइड्स भी हैं एंड वी आल्सो हैव नॉन मेटल्स इन देम जस्ट फॉर अ शॉर्ट रिव्यू आई होप कि बहुत सबको पता होगा मेटालॉइड्स क्या है सो so, मेटालॉइड्स एक ऐसे मटेरियल है जो कि सर्टेन टेंपरेचर रेंज पे एज अ मेटल और कुछ और टेंपरेचर रेंज में द नॉन मेटल काम करता है कमिंग यर तो हमारे पास फॉसफॉरस सल्फर क्यों थी ना हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ऑर्गोन की बात करो तो ऑर्गोन हमारे पास जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वहां पर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है जिसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल है रीजन क्या है कि इसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है आउटर मोशन कंप्लीट है इसे इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने की या कवल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है और इसके ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस तो गाइज़ यहाँ तक एक ओवरव्यू हो गया कि थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं तो बेसिकली जो थर्ड पीरियड की बात करो तो हम हम हर पीरियड में चार मेजर करेक्ट्रिस्टीस को स्टडी करते हैं और हमारे पास अटोमिक्स रेडियस होता है आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन इफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आज की वीडियो लेक्चर में मैं पहली दो डाटा द अटोमिक रेडियस एंड आइनाइज एनर्जी को कम्प्लीटली एबोरेट करूँगी कभी वीडियो में मैं इन शाला जो दो रिमेनिंग है उनको भी लैबोरेट करूँगी तो गाइस पहली प्रॉपर्टी इन हैंड इज दी दटोमिक रेडियस तो हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है और ये अलोंग का पीरियड किस तरह वेरी करता है इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी किसी भी आइटम के न्यूक्लियस से लेके जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है उस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है फॉर एग्जाम्पल लेट्सिडर कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है with positive charge, और ये हमारे पास उसके इर्द गिर्द उसके ऑर्बिटल्स हैं तो हमारे पास रेडियस क्या होगा इस न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट जो हमारे पास शेल है उस तक का हमारे पास अटोमिक रेडियस होगा अटोमिक रेडियस कभी भी इनर शेल तक का नहीं होता वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस होता है जैसे हम हाँ एक सर्कल की बात करें सर्कल पे सेंटर से लेकर उसके सकम तक जो होता है वो रेडियस होता है अब हमने देखना है कि ये किसी भी ग्रुप में इस पीरियड में किस तरह ये वेरी कर रही है अब अटोमिक रेडियस की बात करते तो हैं फिर इसकी ट्रेंड की बात करती हूँ कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्योंकि हम पीरियड की बात करें तो इस वीडियो में ग्रुप की बात नहीं मैं इस तरह करी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास एक किस तरह बढ़ता है ये काम होता है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इसके अगर ऑपोजिट चलो तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा अब यहाँ आता है सवाल कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों कर रहा है तो इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं हम यहाँ कंसिडर करते हैं सोडियम अब हमें पता है कि सोडियम के अंदर वी हैव इलेवन प्रोटॉन्स एंड वी हैव इलेवन इलेक्ट्रॉन्स अगर साथ ही हम देखें मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम में हमारे पास कितने हैं ट्वेल्व प्रोटॉन्स एंड ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स अब एक बार जो आप लोग तो जानते होंगे कि इना पीरियड जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है वो चेंज नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एम शेल है तो वो एम शेल ही रहेगी इन अ पीरियड द ऑर्बिट रिमेन्स द सेम जो शेल है या ऑर्बिट है वो सेम रहता है बस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एड अप होते जाते हैं अगर सोडियम के केस पे देखो तो मेरे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किसकी वजह से प्रोटॉन्स की वजह से मेरे पास इलेवन प्रोटॉन्स हैं और इलेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ मैग्नीशियम मेरे पास जो न्यूक्लियर चार्ज था वो इंक्रीज़ कर गया साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ कर गए अगर इसे एग्जाम्पल समझाऊ तो अगर मेरे पास दो वीक मैगनेट्स हैं और दो स्ट्रॉन्ग मैगनेट्स हैं तो जो दो वीक मैगनेट्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी और जो अट्रैक्शन दो स्ट्रॉन्ग मैगनेट्स के दरमियान होगी उसमें से ग्रेटर अट्रैक्शन किसकी होगी ऑब्वियसली जो दो स्ट्रॉन्ग मैगनेट्स ज़्यादा जोर से कोलाइड करेंगे जबकि जो वीक मैगनेट्स हैं वो भी कलाइड तो करेंगे अट्रैक्ट करेंगे बट इतनी स्ट्रांग नहीं होगी वही हम बात यहाँ अप्लाई करेंगे कि यहाँ इलेवन प्रोटोन्स और इलेवन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हमारे पास क्या है अट्रैक्शन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का नंबर भर है जैसे इनका नंबर बढ़ता जाता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इनकी अट्रैक्शन है वो भी बढ़ती जाती है और एट द एंड हमारे पास क्या होता है कि साइज़ जो है वो डिक्रीज करता जाता है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ इट वुड बी सम वाट लाइक दिस यहाँ मेरे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है और यहाँ मेरे पास क्या आते हैं सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन आप मैं इनका ग्राफ बनाती जाती हूँ मैं कंसीडर कि सोडियम की हमारे पास जो एटॉमिक साइज था वो यहाँ है मैग्नीशियम का यहाँ एल्युमिनियम का यहाँ सिलिकॉन का यहाँ फास्फोरस का यहाँ है सल्फर का यहाँ क्लोरीन का यहाँ और फिर ऑर्गॉन पे हम क्या देखते हैं कि ऑर्गॉन पे एकदम से शूट होता है टॉमिक रेडियस में टॉमिक एकदम से इंक्रीज करता है यानी जो हमारे पास ऑर्गॉन का टॉमिक रेडियस है वो इवन सोडियम से भी ग्रेटर है अब यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है कि वाई इज इट्स सो यानी वाई आर्गोन शोज ए ट्रेंड यानी ऑर्गॉन जब सबका डिक्रीज कर रहा है तो जो ऑर्गोन है वो एक सा ट्रेंड क्यों दिखा रहा है एक अलग सा वियर सा ट्रेंड क्यों दिखा रहा है उसकी डिक्रीज क्यों नहीं कर रही तो इसका सबसे जो मेजर रीजन आप लिखेंगे इट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपेलजन अब हमें पता है कि जो ऑर्गोन है उसके आउटर शेल फेट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो जब हम देखते हैं कि जब उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो जो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरे को रिपेल करते हैं उनकी रिपल्जन इतनी स्ट्रांग होती है कि जो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन थी वो कम उसके सामने कम हो जाती है वजह तो से क्या होता है कि दूसरे को रिपेल करते हैं उस रिपल्जन से इलेक्ट्रॉन्स दूर मूव करने लग जाते हैं और जो साइज़ ऑफ ऑर्गॉन होता है वो सोडियम से भी ग्रेटर हो जाता है तो रीज़न क्या है हमारे ऑर्गोन के नामलेस ट्रेंड का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है ऑक्टिक कम्प्यूटर से क्या होता है जो एट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल पे वो दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल्जन इस मैग्नीट्यूड से करते हैं कि जो अट्रैक्शन थी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की वो उसके सामने कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर मूव पर जिससे अटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है ये बात पहली बात होगी अटोमिक रेडियस की अब हमने डिस्कस करना है कोट टेंडाटिस इसी के अंदर जो हमारे पास आते हैं आइनिक रेडियस यानी एक हम एटम की बात कर तो है रहे हैं तो एटम का रेडियस इस तरह डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेकिन अगर आइंस हो तो उसका रेडियस किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज करता है वो हमने देखना है तो आप देखें आप पता है कि दो तरह के हमारे पास साइंस होते हैं एक जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए दैट इज अ कैटाइन एंड द अदर इज वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए दैट इज ए नाइन अब इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि कैटाइन छोटे होते हैं साइज पे या एन एन छोटे होते हैं अब यह एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं मैग्नीशियम की मैग्नीशियम के वैसे हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं ट्वेल्व प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्वेल्व अब सब सबसे पहले अगर हम इसका कैटाइन बनाएं कैटाइन किस तरह कि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूँ तो फिर मेरे पास मैग्नीशियम कुछ इस तरह से आएगा मैग्नीशियम के प्रोटॉन्स तो ट्वेल्व हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो ग्यारह हो गए अब जो पहले प्रोटॉन्स जो थे जो न्यूक्लियस चार्ज था बारह प्रोटॉन्स का पहले वो बारह इलेक्ट्रॉन्स पे काम कर रहा था अब वही बारह प्रोटॉन्स वाले जो फ़ोर्स है जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेवन पे काम कर यानी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए बट फोर्स वही थी जो फोर्स पहले बारह को खींच रही थी अब वो ग्यारह को खींच यानी फोर्स जो है वो ज़्यादा हो गई है तो अब ज़्यादा ज़ोर से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा जो साइज़ होगा आइन का वो डिक्रीज़ कर जाएगा जबकि दूसरी तरफ अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन देती हूँ अपने मैग्नीशियम को एन आइन बनाने के लिए तो मेरे पास मैग्नीशियम कुछ इस तरह से आएगा कि उसके प्रोटॉन्स तो बारह हैं लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स तेरह होंगे। यानी पहले जो फोर्स सिर्फ बारह प्रोटॉन्स की फ़ोर्स बारह इलेक्ट्रॉन्स पर काम कर रही थी अब वो तेरह इलेक्ट्रॉन्स पर उसने काम करना है तो जो फ़ोर्स अब काम कर रही है वो कम होगी है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो फोर्स से करेगी उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी जिससे हमारे पास क्या होता है कि एन एन का साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम दी पेरेंट्स स्पीशी अब जो मैंने पहले आपको बताए थे हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम और एलुमीनियम ये तीनों हमारे पास क्या बनाते हैं कैटइंस क्योंकि ये मेटल्स हैं मेटल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करें जबकि हमारे पास फास्फोरस सल्फ़र और क्लोरीन हमेशा एनइन्स बनाते हैं क्योंकि इनके आउटर शेल में एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें या दे नहीं सकते तो यह एक ट्रेंड ख़त्म होता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस का अब स्टे करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को सो गाइज लेट्स सी वॉट इज आयनाइजेशन एनर्जी और इसका ट्रेंड क्या है ग्रुप के और पीरियड के हिसाब किस तरह तब्दील करती है आयोनाइेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जिससे हम एक आइटम को आयन में कन्वर्ट करते हैं यानी वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है किसी भी आइटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सो आयनाइजेशन एनर्जी इज्डी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्राम आउटर मोस्ट शेल हम ये सब जानते हैं कि जब भी हम किसी आइटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो आइन पर कन्वर्ट हो जाता है सो आइनाइजेशन एनर्जी क्या है दर्जी विद विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आइटम इन टू आइन सिंपल वर्ड्स पे आटम को आइन पर कन्वर्ट करके जो एनर्जी चाहिए होती तो है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं अब आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास चार चीज़ों पर डिपेंड करती है वो चार चीज़ें हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं अटोमिक साइज़ होता है न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिट होती है शील्डिंग अफेक्ट होता है ये चार चीज़ें हमारे पास होती हैं जब हम पीरियड को भी कंसिडर करें और ग्रुप को भी चूँकि हम अभी सिर्फ पीरियड के बारे में बात करें तो हम सिर्फ दो चीज़ें देखेंगे वो हमारे पास होगी न्यूक्लियर चार्ज और अटोमिक साइज़ हमारे पास जो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी वैसे वो चार है। हैं लेकिन क्योंकि हम पीरियड वाइज देखें तो हम सिर्फ दो पे देखेंगे हमारे पास पहला आता है फैक्ट साइज। दूसरा हमारे पास क्या आता है न्यूक्लियर चार्ज इसके अलावा दो और भी हैं जिनको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आप लोग उन्हें कन्फ्यूज ना करें एक हमारे पास होता है शील्डिंग इफेक्ट हम जानते हैं कि शील्डिंग का फैक्ट वो फेक्ट है जो कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स को कट ऑफ करते हैं रिड्यूस करते हैं वो और लास्ट हमारे पास क्या आता है नेचर ऑफ ऑर्बिट यानी कौन सा ऑर्बिट है के की कौन सी शेल है हमारे पास कौन सा एम है एन है क्या तो बेसिकली जो हमने पीरियड वाइज स्टडी करना है उस पर सिर्फ ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं इनका उस पैसेज ऐसे इफेक्ट नहीं है ये ग्रुप वाइज जब पढ़े तब देखा जाता है क्योंकि अभी हम पीरियड वाइज करें तो अभी हम सिर्फ इन दोनों को आगे लेके चलेंगे अब अगर मैं ट्रेंड लिखूँ कि ट्रेंड क्या है तो ट्रेंड ये है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड और इन एनी पीरियड जो हमारे पास आल एनर्जी है वो इनक्रीज़ करती है अब इधर आता है कि रीज़न क्यों इंक्रीज कर रही है तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ्रॉम लेफ़्ट राइट एटॉमिक साइज़ क्या करता है डिक्रीज़ जिसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ रही है उससे एटॉमिक साइज छोटा रहा है तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ उतना ही मुश्किल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स वेरी सिंपल यानी ग्रेटर द अट्रैक्शन यानी जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास होगा न्यूक्लियर चार्ज तो हमारे पास ग्रेटर ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी अगर इसको उल्टा देखा जाए तो जितना छोटा हमारे पास एटॉमिक साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्योंकि छोटा एटॉमिक साइज़ कब होता है जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन अब यहाँ के माया जैसे एनर्जी का बनाऊँ सबसे पहले हमारे पास सोडियम की सबसे कम क्योंकि यहाँ सबसे ईजी होता है इलेक्ट्रॉन कलर क्योंकि उसका तो साइज बहुत बड़ा है और न्यूक्लियर चार्ज कम है फिर सोडियम का उससे ज़्यादा फिर एलुमिनियम का उससे कम फिर सिलिकॉन फिर फॉसफॉरिस फिर सल्फर का थोड़ा सा कम फिर क्लोरीन और फिर और कम अब यहाँ दो पॉइंट्स पे परामलिस बिहेवियर आ रहा है एक इस पॉइंट पे और एक हमारे पास इस पॉइंट पे। अब बात यह है कि जब लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ एनर्जी तो मैग्नीशियम में ज़्यादा और एलुमिनियम में कम क्यों नहीं है जबकि एलुमिनियम में ज़्यादा होनी चाहिए थी और इसी तरह फास्फोरस पे ज़्यादा और सल्फर की कम क्यों है जबकि सल्फ़र बाद तो पे है उस पर ज़्यादा होनी चाहिए थी दोनों वे एक्सप्लेन करती हूँ ये इनामिलेस बिहेवियर जैसे पीछा हमने नामलेस बिहेवियर पढ़ा था आरगोन का यहाँ पर जो नामलेस बिहेवियर है मैग्नीशियम और एलुमिनियम का और साथ हमारे पास फॉसफॉरस और सल्फ़र का इस पर भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा आए हैं पहले हम देख लेते हैं मैग्नीशियम एंड एलुमिनियम अगर मैं मैग्नीशियम में का लिखूँ अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और एलुमिनियम का हमारे पास क्या है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन अब यहाँ से अगर समझा जाए तो मैग्नीशियम के आउटर वो जो सब ऑर्बिटल है एस वो कम्प्लीटली फिल्ड है जबकि एल्युमिनियम का जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है एम शेल का उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जबकि उसमें फ़ाइव वो ले सकता है तो यानी हमारे पास ये जो है इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है जो ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है जबकि जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो कम्प्लीट है जो लो एनर्जी ऑर्बिटल है एस वो कम्प्लीट है तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना जहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे प्रेजेंट और शेल कंप्लीट है मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू है क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड अकेला प्रेजेंट है उसको निकालना आसान है बेशक एलुमिनियम का साइज छोटा है उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है मैग्नीशियम का छोटा साइज और निक्लियो चार्ज साइज़ बड़ा न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा है बट बात यहाँ से आती है कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ एक है एक को निकालना ईज़ी एज़ कम्पेयर टू टू इसी तरह जो अगला हमारे पास बिहेवियर है फॉस्फोरस एंड सल्फ़र का अगर सर मैं दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो फॉसफॉरस की हमारे पास है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी एक्स थ्री पी वाई थ्री पी जेड अब ये तीनों पहले पढ़े हमने ये डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी होती है तीनों की इन सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन है अब अगर साथ में लिखूँ सल्फ़र की तो सल्फर को कुछ तरह आए वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी एक्स थ्री पी वाई थ्री पी से यहाँ दो हैं जबकि बाकी दोनों में एक एक है अब यहाँ से जो पॉइंट समझने वाला है कि अगर फास्फोरस पर देखा जाए तो तीनों डिजनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं तीनों पे एक एक अलेक्ट्रॉन है जो पी हमारे पास सब शेल थी वो एक स्टेबल फॉर्म पे बैलेंस्ड फॉर्म पे, है जबकि सल्फर पे क्या है हमारे पास तीन डिजन, डिजनरेटिव ऑर्बिटल्स तो हैं बट दो पे हमारे पास एक है जबकि जो पी एक्स हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ कुछ इम्बेलेंस सिचुएशन देखी जा रही है तो इस बात से ये हम कहते हैं कि यहाँ जहाँ इम्बेलेंस है सल्फर पे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज़ कम्पेयर टू हेयर जहाँ तीनों इक्वल चार्ज वाले जो हमारे पास डिजनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं उनसे निकालना मुश्किल क्योंकि उन तीनों की जो वैल्यू है वो सेम होती है लेवल सेम होता है सब पे जितने इलेक्ट्रॉन है वो एक बैलेंसड कंडीशन पे जो है फॉसफॉरस प्रेजेंट है इससे उसके इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस अगर वही बात देखी जाए कि एक बस पे बहुत ज़्यादा बच्चे ओवर वो क्राउडेड वो वो है और एक बस वो जहाँ हर बच्चा अपनी सीट पे बैठा हुआ है तो जिस बस का दरवाज़ा खुलेगा तो कहाँ किस बस से बच्चे बाहर गिरेंगे ऑब्वियसली वहाँ जहाँ इम्बेलेंस सिचुएशन या ओवर क्राउडेड बच्चे हैं जबकि जिस बस पे सारे बच्चे चेस पे हैं वहाँ तो उन्हें गिराना मुश्किल है इसी कंडीशन से अगर आप इधर भी देखें तो यहाँ हमारे पास दो हैं और यहाँ हमारे पास एक है अगर हमारे पास एक बस जिस पे दो बच्चे एक जैसे हैं तो उनमें से ढूंढना मुश्किल है कि हमारा वाला कौन सा है जबकि अगर एक ही बच्चा होगा तो उसको पता लगाना आसान है कि ये बच्चा है जिसको हमें लेना है तो गाइस यहाँ तक आके हमारे जो दो और ट्रेंड्स थे अकॉर्डिंग टू द थर्ड ग्रुप खत्म होते हैं वैसे ये चार हैं मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो दो रिमेनिंग है वो भी मैं अपकमिंग वीडियो पर इन एक्सप्लेन करूँगी यहाँ तक के जो हमें दो ट्रेंड्स पढ़े हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस और आय एनर्जी आई गेस आप लोगों को काफ़ी क्लियर हुआ होगा टाइम अगर कोई भी डाउट है सो फील फ्री टू कमेंट मी द कमेंट सेक्शन बिलो और इसके अलावा आई भी शेयरिंग इंस्टाग्राम आई डी वीडियो काइ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वन मोर थिंग इफ यूर गटिंग एनी यूज फ्रॉम माई दीज वीडियो सो डोंट यू हिट माई हिट द लाइक आईकल एंड डू सब्ब्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस दिट वु बी अ ग्रेट हेल्प एंड अ वेरी काइंड ऑफ यू टू माई साइड वेरी बेस्ट ऑफ लाग फॉर योर फ्यूचर अल्लाह अलाने के बाद